Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सोनी मार्वल की न्यू अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल की अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की एक न्यू ब्रांड न्यू कास्ट के बारे में जिसने कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में मैं इन्वॉल्व हूँ। जी हाँ, पहले तो ये अपडेट आया था पर आज पुख्ता सबूत मिल चुका है और जब भी कोई पुख्ता सबूत मिलता है तो मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो फाइनली स्पाइडरमैन मूवी जो कि पुरानी वाली है जिसमें कि ग्रीन गोब्लिन का कैरेक्टर प्ले करने वाले विलियम, उन्होंने कंफर्म करा है होल्डर पर जो कि यूट्यूब चैनल है और एक बहुत बड़ी वेबसाइट है कि हाँ इस मूवी में मैं इन्वॉल्व हूँ और एक कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ। जी हाँ, आप पहले सबसे पहले ये वीडियो देखिए। The other things that I've been doing lately, I prefer to wait until we're ready for them to come out. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूं, पर वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने ये रिवील नहीं करा है। और एक्चुअली में वो रिवील भी नहीं करेंगे क्योंकि सोनी और मार्वल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता सभी एक्टर से जिससे कि वो अपनी पर्सनल डिटेल रिवील ना करें, वरना मूवी को कौन देखेगा जब इन सारी डिटेल पहले ही पता चल जाएगी। फिर भी अगर कोई छोटे मोटे अपडेट आते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर का काम है उसको बताना। तो फाइनली उन्होंने इस वीडियो में क्लियरली कर दिया है कि वो इस मूवी में इन्वॉल्व है और देन वो कोई कैरेक्टर की रोल प्ले करने वाले हैं। और वो बोली सभी जानते कि ग्रीन गोब्लिन के कैरेक्टर में वो प्ले कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रो रिटर्न हो रहा है जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्टर ऑक्टीज देखने को मिलेंगे जो कि स्पाइडरमैन पुरानी वाली 2 के हैं। तो हाँ, ओवरऑल कुछ कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं और जैसे जैसे पुख्ता सबूत आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। और ज्यादा मोर अपडेट्स के लिए गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और देन वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।